हेलो दोस्तों दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि फेसलिफ्ट अर्टिगा मारुति लेके आ रही है। जी हां, फेसलिफ्ट अर्टिगा जो है मारुति इस महीने यानी कि अप्रैल एंड तक लॉन्च कर सकती है। दोस्तों वीडियो में हमने काफी चीजें डिस्कस की थी, वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आई बटन में कहीं दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम आपको अर्टिगा फेसलिफ्ट के बारे में ऐसे 5 पॉइंट बताएंगे जो आपको मजबूर कर देंगे कि मैं रुकूं अर्टिगा फेसलिफ्ट के लिए। जी हां, आपको अर्टिगा फेसलिफ्ट के लिए रुकने के लिए मजबूर कर देंगे, ऐसे वो 5 पॉइंट हम आज आपको इतनी इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त पवन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम रोडवेज में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं मारुति की फेसलिफ्ट अर्टिगा के बारे में 5 ऐसी बातें जो आपको इस गाड़ी को खरीदने के लिए मजबूर कर देंगी। सबसे पहली बात है दोस्तों वो है इसके लुक्स। जी हां, लुक्स के मामले में जो मारुति की अर्टिगा है उसने कमाल ही कर दिए हैं। जी हां, जो इसके लुक्स हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन मारुति ने बनाए हैं। एक डायनामिक बुलेटिक जो है लुक मारुति ने इसको दिया है। तो जो इसके लुक्स हैं वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप इस गाड़ी के लिए रुकिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जी हां, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है इसके अंदर की स्पेस। जी हां, मारुति की अर्टिगा के अंदर पहले से ज्यादा स्पेसियस मारुति ये बना रही है जो फेसलिफ्ट अर्टिगा है वो। जी हां, जो इसका स्पेस है वो इतना है कि आपको तीनों रो में लेग स्पेस बहुत अच्छी मिलने वाली है, यानी फ्रंट मिड और लास्ट रो में तीनों में आपको बहुत बेहतरीन लेग स्पेस मिलेगी जिससे आप कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो सबसे आगे बढ़के मैं आपको बता रहा हूं वो है इसका सीएनजी वेरिएंट। जी हां, ये एमपीवी जो है पहली एमपीवी है जो सीएनजी के साथ आपको मिलती है। जी हां, फेसलिफ्ट अर्टिगा भी का भी सीएनजी वेरिएंट आएगा। जो अगर जब सीएनजी की बात करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल कंफर्म है कि सीएनजी चलाने में किफायती होती है, आपकी जेब पे बोझ कम डालती है, यानी कि ये जो अर्टिगा है आपकी जेब पे भी बोझ कम डालेगी, आपकी जेब को भी नहीं काटेगी क्योंकि इसका आने वाला है सीएनजी वेरिएंट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों जहां चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो इसके जो है फीचर्स। जी हां, मारुति इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड करने वाली है कि आप उनका नाम सुनते ही इस गाड़ी को खरीदने की ठान लेंगे। जी हां, बड़ा टच स्क्रीन इन्फो सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स तो नॉर्मल बात है, बट अब ये गाड़ी जो है 360 व्यू कैमरे से लेस होगी। अंदर आपको इसको 3 रो एसी मिलेगा आपको इसके अंदर, यानी हर रो के ऊपर आपको इसको एसी वेंट मिलेगा। तो ये गाड़ी जो है फीचर्स के मामले में अब मारुति इसको पीछे नहीं रखने वाली है। तो आपको ऑटोमेटिक एसी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी फीचर्स भी इसके अंदर मिलेंगी। साथ में ये गाड़ी पुश बटन स्टार्ट भी आपको मिलने वाली है। और तो और दोस्तों फीचर्स के मामले में इस गाड़ी के अंदर आपको जल्दी सनरूफ भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो मारुति की अर्टिगा फेसलिफ्ट है वो सनरूफ के साथ भी आने वाली है। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे फीचर्स मारुति ने ऐड कर दिए हैं कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स की छुट्टी कर देगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 5वां पॉइंट क्या है। जी हां, 5वां पॉइंट है इसका प्राइस। जी हां, जिस प्राइस टैग के साथ ये लॉन्च होगी वो अपने आप में एक अट्रैक्टिव फीचर है इसका। जी हां, ये जो इस प्राइस टैग के साथ आ रही है उस प्राइस टैग के साथ मारुति में कोई भी एमपीवी इस क्लास की मौजूद नहीं है, यानी कि इस क्लास में जो भी एमपीवी आती है वो या तो इससे महंगी है या बहुत महंगी है। तो मतलब इस
क्लास में जो एमपीवी आती है वो सब टीए छुट्टी कर देगी प्राइस के मामले में। यानी सीएनजी वेरिएंट भी इसका इतना सस्ता है कि आप सोच नहीं सकते, 9-10 लाख रुपए में आपको इसका सीएनजी वेरिएंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मारुति की अर्टिगा फेसलिफ्ट के बारे में, हमने आपको 5 ऐसी बातें बताई है जो आपको मजबूर कर देंगी इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अर्टिगा फेसलिफ्ट के बारे में अगर और कुछ जानना है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।